हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। तो हम आ चुके हैं तिलक नगर की मार्केट में और आप देख सकते हैं कि मार्केट को कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो हमने सोचा कि हम आपको भी आज मार्केट का नज़ारा दिखाते हैं, जबकि दिवाली में अभी टाइम है। तो चलिए देखते हैं। तो अगेन हम आए हैं मार्केट में और हम पैक करा रहे हैं स्प्रिंग रोल, फिर हम खाएंगे। खाना नहीं बनाएंगे, खाएंगे, क्योंकि हम ऑफिस के काम से आए थे और हुआ ही नहीं, तो कुछ तो करें। अब हम कितने फ्लोर का मंदिर होगा ये? देख, ऊपर गणेश जी है, गौरी शंकर, श्री राधा कृष्ण, सात फ्लोर है और संतोषी माता, सेवन फ्लोर है ना? आठ है, आठ है। रिक्शे की सवारी करते हैं हम। बड़े कितने अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना, इसीलिए तो हम रिक्शा में बैठे हैं, हवाई जहाज में जाना। क्या दिखा कौन सा? मेरे को वो पीले वाला लहंगा अच्छा लगा। Hey guys, तो बज चुके हैं 11:30 और देखिए इस लड़की को जो भोली भाली सी लग रही, नहीं ये कौन सा फिल्टर लग गया? फिल्टर, जो भी लग गया ठीक है। मैं तो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में फिल्टर लगाया था, फिल्टर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लग रहा। तेरा जो ये प्लाजो है ना, इसकी वजह से एक ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मैं एक चीज बस बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तो डिनर नहीं किया, नन्नी कर चुकी है। नन्नी तेरे से तीन सवाल और तू तीनों सवालों के आंसर देगी बिल्कुल सच सच, ठीक है? तूने सुबह क्या खाया था और किसके साथ खाया था? सुबह मैंने खाया था मसाला पराठा और दही के साथ। और तूने दिन में क्या खाया था? दिन में मैंने खाए थे स्प्रिंग रोल और मसाला पराठा दही के साथ। अब तूने अभी क्या खाया था ये बता? मूली के पराठा दही के साथ। मुझे ऐसे लगा कौन है। अच्छा एक और चीज, लास्ट आज के दिन का लास्ट, आज की रात का लास्ट सवाल तुझसे, तूने अभी कितने पराठे खाए? एक दो चार खाए, और उससे थोड़ी देर पहले, और उससे थोड़ी देर पहले मिल्कशेक पिया था और दो बिस्किट खाए थे बस। नहीं यहाँ क्या हो गया तेरे को? क्या हुआ तुझे? यहाँ खाई जा रही थी सुबह से। वो वहाँ पे क्या रखा दो पैकेट में? ये गौरी का गिफ्ट है कल का। कल हमारी स्वीट हार्ट पल्लू का बर्थडे है और ना हमने मंगाया था अमेज़न से, हमने उधर पे लिखा था कि पैक करके देना, तो ये गिफ्ट है इतना सा। देखो ये साइज इसका, देखो और ये देखो, दिख रहा है? ये देखो कितना बड़ा है। तो ना इन लोगों ने क्या किया ना, जैसे ये दिखा और ऊपर से 30 रूपए बना के हमको बुद्धू भी बना दी, 30 रूपए एक्स्ट्रा लिए। इन लोगों ने क्या किया ना, ये जो पिंक है ना, ये भी हमने किया, ये भी पैक नहीं किया, ऐसे ना ऐसे बंद किया, हो गया। फिर हमने इसको निकाला, इसको अच्छे से पैक करा, ऐसे नहीं उल्टा हो गया ऐसे, और उसके बाद ये डिब्बा मैं ले लू क्योंकि मेरे को चाहिए, मैं इसे कुछ कार्ड करूंगी। तो दोस्तों लड़की तो आज फुल ऑन चार्ज है, क्योंकि सुबह से बस खाई जा रही है। पर मैं कैसे एक्सप्रेशन दिखाई हो?
पर आई एम वेरी टायर्ड नाउ बिकॉज ऑफिस के बाद मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था और मैं वहां से आई, उसके बाद मैंने नहाया, मैंने कपड़े धोए, मैंने खाना बनाया। मैडम जी ने बोला कि मैं पराठे खाऊंगी, सब्जी नहीं खाऊंगी, तो उसके लिए मैंने मूली के पराठे बनाए, मूली की सब्जी बना रही थी। और आज हम दिन में थोड़ी देर के लिए कुछ ऑफिस के काम से गए थे, ऑफिस का कुछ स्टेशनरी लेना था और हमको मिला ही नहीं। हम लौट के बुद्धू घर को आए, फिर हम दो फ्लावर लेके आ गए, फ्लावर पॉट और फ्लावर लेके आ गए। मतलब हमको सामान मिला बट हम ना सस्ता जुगाड़ ढूंढ रहे थे कि सस्ते में काम हो जाए, बट वो सस्ता जुगाड़ ना नहीं मिला नहीं गई, और ऊपर से महंगा और पड़ गया। वो स्प्रिंग रोल लेके आए फिर हम, और 200 रुपए के वो फ्लावर पॉट, 200 नहीं 300 रुपए के फ्लावर पॉट। आप लोग क्या ला रहे थे स्प्रिंग रोल की? जो हम स्प्रिंग रोल लाने नहीं गए थे, हम पैकिंग मटेरियल लाने गए थे ऑफिस का। तो क्या लाए फिर आप? पैकिंग मटेरियल मिला ही नहीं हमको जो हमको चाहिए। तो हमने सोचा जब आए गए हैं तो कुछ तो पैसे खर्च कर लें, तो इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। ये मैंने ऐसे कपड़े पहने क्योंकि मुझे कल रात बहुत ठंड लगी, मम्मी को ठंडी लगी। तो दोस्तों कल अब जिया की पल दीदी का और जिया की पल दीदी का क्या होता है और मेरी पल्लू का बर्थडे है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ पल्लू का बर्थडे है, पल का बर्थडे है, पल्लू वाला होता है ना साड़ी वाला पल्लू, उनका बर्थडे है तो हम प्यार से कभी कभी इसको पल्लू बोलते हैं। तो इसीलिए हम आपको मिलेंगे कल, और अभी के लिए आपको हम बोलना चाहते हैं गुड नाइट, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड कमेंट अवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से नहीं पहाड़ी परिंदे। हम पहाड़ी परिंदे ऐसे बोलते थे ना टीचर, ऐसे इतनी देर तक तो मार चुके होते रहे। नहीं मैं चलिए बाय तो बोल दिया। एक दोस्तों लास्ट बात सुन लो। हाँ ननी एक बात बताना चाहती हूँ तुझे। आज एक दिन मेरी ना बहुत पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई, मेरे को उल्टे हाथों में भी मारा साइंस के टीचर ने। हाँ और डंडे से इतने तेज का मारा ना ननी मेरे, क्यों मारा भी नहीं रोई लेकिन बहुत लगी। आपने क्या किया? मैंने नानू के फर्जी सिग्नेचर किए। तो उनको कैसे पता चला? उनको चल गया पता नहीं कि मैंने करे। मैंने तो ऐसा आज तक नहीं किया क्योंकि इनके साइन ही इतने अजीब है। मैं दिखाती हूँ, रुको अभी कॉपी भी यही पड़ी है, दिखाती हूँ अपने भी दिखाऊंगी। साइन नहीं दिखाते किसी को, कोई मेरे फर्जी सिग्नेचर करके करोड़ों रुपए निकाल ले मेरे बैंक से। हो तो ना मिली नहीं रे। हाँ चल कोई बात नहीं। एक और चीज बताऊं? क्या? एक ही चीज बची है बस। क्या? एक और दिन मैंने बहुत डांट खाई। क्यों? पता वो तेरे नालायक मामा है। मामा तो हम दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे बेचारे, गवर्नमेंट स्कूल में। तो ना हमसे इंग्लिश के टीचर ने एक सवाल पूछा क्या? और हमको वो नहीं आया, जो भी सवाल था उसका आंसर नहीं आया। तो सर आ गया है, उन्होंने बोला कि एक बच्चा ना सिक्स क्लास में पढ़ता है, तब हम लोग एट्थ में पढ़ते थे। अब यहाँ देखना बात करने दे फिर बाद में करियो। तो हम तब ना मैं एट्थ में पढ़ती थी और मामा सिक्स में पढ़ता था। तो पता क्या हुआ, सर ने बोला कि एक ऐसा बच्चा है जिसको 110% इस सवाल का आंसर आता होगा, तुम सारे बेवकूफ हो। तो हमको बहुत डांट पड़ी, हमने सोचा होगा कोई बच्चा। और बाद में क्या हुआ सर, अब मामा को तेरे मामा को फोन गिर गया सॉरी वीकनेस ज्यादा हो गई है। तो ना जैसे ही ना सर ना मामा को बुला के लाए और क्लास के अंदर घुसा ना, सारे हंसने लग गए क्योंकि सारे बच्चों को पता था कि वो मेरा भाई है। तो ना ऊपर से हमको और डांट पड़ी। सर ने बोला कि एक तो आ नहीं रहा इतना आसान सा सवाल, ऊपर से हंस रहे हो। तो फिर जब वो सारा उसने ना सॉल्व कर दिया, मामा ने मैथ्स का सवाल था वो सॉल्व करके चला गया। क्या देखा? मुझे पता था ये बच्चा कर देगा। तो अब फिर ना फिर एक बच्चे ने बोला सर ये ना ममता का भाई है, उन्होंने बहुत बेइज्जती हुई उस दिन मेरी। और फिर ना फिर सर ने एक और भी चीज बोला, उसे थोड़ी और बेइज्जती हुई। उन्होंने बोला कि कुछ सीख अपने भाई से। तो आपको क्यों नहीं आता था? आप एट्थ में थी, वो बेचारे फोर्थ। नहीं नहीं मुझे मैं मैथ्स में हमेशा मेरे हाथ भी पैर भी टाइट थे, मतलब मैं वीक थी, कमजोर थी। नहीं मैं तो संस्कृत, मेरे को तो संस्कृत बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपको अपने सिग्नेचर करके दिखा। नहीं जिसको जो चीज नहीं आती ना वो यही कहता है कि मुझे नहीं पसंद। मुझे भी मैथ्स नहीं आती थी, मैं यही बोलती थी नहीं कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद क्योंकि मुझे आती नहीं थी। ये बात गंदी है, ये मेरी बेइज्जती करना। अरे भाई कर हां बोल रुको रुको मेरे सिग्नेचर देख लो, दिख रहे हैं? ओहो दिख रहे हैं ये तो। यार निकल रहे हैं यार।